हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेसिपी विद मधु में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं सूजी के बहुत ही टेस्टी अच्छी मिठाई बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल रस से भरी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन गरम कर लिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसमें एक चम्मच इसमें घी डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सूजी का आटा लेकर मैं इसको अच्छे से डालकर इसको मिला लूँगी। थोड़ा थोड़ा ही डालना, एक बार में नहीं डालना तो गुलटियाँ बनने लगी। फिर इसको अच्छी तरीके से चलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे आटे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इसको अच्छे से बिल्कुल चलाऊंगी जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। यहाँ पर यहाँ सूजी के आटे के पानी बिल्कुल सूख चुकी है, ये देखिए ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको थोड़ी देर तक ठंडा करूँगी इसको। अब मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है और उसमें मैं चीनी ऐड करूँगी और इसमें एक इलायची कूटकर इसमें डाल दूँगी टेस्ट के लिए और इसको अच्छे तरीके से मिला लूँगी। यहाँ पर पानी मेल्ट हो चुकी है चीनी से। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूँगी, ऑरेंज फूड कलर है, और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और इसको थोड़ी देर में पकाऊँगी। देखिए, यहाँ पर हमारी चाशनी पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी चाशनी ना ज़्यादा तार वाली होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल मतलब मीडियम ही होनी चाहिए इसकी चाशनी है। ज़्यादा तार वाली चाशनी की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हमारा यह सूजी का आटा बिल्कुल ठंडा हो गया। मैं इसको अच्छे से मसल कर हथेली की मदद से अच्छे से मिला लूँगी ताकि हमारी गुलटियाँ आटे में कहीं रह ना जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी से। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सूजी की आटा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे डो बने हैं इसके, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब यहाँ पर हमें हथेली में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको बिल्कुल चिकना कर लूँगी और थोड़े थोड़े लोई काट कर इसको अच्छे तरीके से गोल शेप कर दूँगी और फिर इसको हल्के हल्के से दबाकर इसको इस तरह से टिक्की शेप बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके चारों तरफ राउंड राउंड कर इसका अच्छा शेप दूँगी ताकि हमारी टिक्की अच्छी लगे दिखने में। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और मैं सारी टिक्कियों को इसमें एक करके डालूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ डाल दी है और देखिए नीचे साइड से थोड़ी थोड़ी पक चुकी है। अब मैं इनको एक कर कर दूसरी साइड पलट दूँगी। अब हमारी टिकिया थोड़ी थोड़ी पक गई नीचे से ऊपर से भी, एक बार फिर से पलट कर इसको अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए, हमारी टिक्की यहाँ पर बिल्कुल पक चुकी है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी सभी को इसी तरह से। अब देखिए, हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं एक करके सारी टिक्कियों को इसमें डालूँगी और इसको थोड़ी देर तक इसमें छोड़ दूँगी और एक फोक की मदद से इन सभी को फिर दूसरे साइड पलटूँगी ताकि हमारे रस इसमें अच्छे से समा सके और हमारी ये टिक्कियाँ अच्छे से खिल जाए। अब मैं इसको थोड़ी देर और ढक दूँगी। देखिए, हमारी टिक्कियाँ यहाँ बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल चाशनी में। देखिए कितनी खिल गई है, सॉफ्ट हो गई है। देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये।
मैं इसको प्लेट में सर्व कर दूँगी। देखिए यहाँ पर हमारी सूजी के आटे की रसीली मिठाई बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। ये जितने दिखने में अच्छे लगते उतने खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो